बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर, मेकिंग या प्रिपरेशन। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में वो अमल हैं जिनमें प्लांट अपना खुराक तैयार करता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसका केमिकल इक्वेशन हमने लिखा था कि जब हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, वाटर आ जाए और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे साथ एक रिएक्शन हो जाए जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। C6H12O6 प्लस 6O2 यानी वो हमारे साथ ग्लूकोज बनाए, उसे हम इस वही हम क्या कहते हैं, फूड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर जाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट मेक्स व्हाट, फूड प्लस ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये हमारे साथ जनरली फोटोसिंथेसिस है। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। तो जैसा कि आपके बुक में है कि फोटोसिंथेसिस हमारे साथ कंप्लीट होता है इनटू 2 स्टेप्स। इसके हमारे साथ क्या है, 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, उसे हम क्या कहते हैं, वो है हमारे साथ लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लाइट रिएक्शन को पहले डिफाइन करते हैं कि लाइट रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग जिसमें क्या हो जाए, ड्यूरिंग विच, यहाँ पर लाइट रिएक्शन हमारे साथ फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पेज है या फर्स्ट स्टेज है, जिसमें विच एनर्जी फ्रॉम लाइट इज यूज किस में यूज होता है, विच एनर्जी फ्रॉम लाइट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसे हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। सो लाइट रिएक्शन हमारे साथ कौन सा रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी, सनलाइट में जो एनर्जी होती है यानी जो रेडिएशन एनर्जी या जिसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं, प्लांट वो लेंगे किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी हमारे साथ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी हमारे साथ फोटोसिंथेसिस किस लिए होता है कि हमारे साथ एनर्जी बन जाए। ठीक है, वो एनर्जी हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। प्लांट में, एनिमल्स में भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होते हैं, यानी ये हमारे साथ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो किसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है, विच एनर्जी फ्रॉम लाइट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यहाँ पर हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन जो होगी वो कहाँ से होगी, एनर्जी लेगा हमारे साथ प्लांट, कहाँ से, लाइट से। किस तरह लेगा हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कि हमारे साथ ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में लाइट हमारे साथ यूज होता है। अगर लाइट नहीं होगा तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसके लिए लाइट जो है वो हमारे साथ क्या है, वो एक, ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। इस पे लाइट जो है वो ज़रूर यूज होगा इस रिएक्शन को करने में। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे साथ लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है। याद रखिए कि लाइट रिएक्शन अकर इन occur in stroma of the granum of the chloroplast. Granum of the chloroplast. लाइट रिएक्शन होगा कहाँ पर? लाइट रिएक्शन हमारे साथ ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, अब हमने लाइट क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम मैंने ड्रा किया था कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक पूरे स्ट्रैंड को हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, इस एक जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड, ठीक है। और ये हमारे साथ जो स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? लाइट रिएक्शन हमारे पास ग्रेनम में होता है। ग्रेनम में हमारे पास थैलाकॉइड होते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पूरा डिस्कस किया था कि हमारे साथ कौन कौन से पार्ट्स है क्लोरोप्लास्ट में और इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हमारे पास बना हुआ है थैलाकॉइड से, और इस थैलाकॉइड में इनसाइड हमारे पास है क्या? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल में क्या होता है? लाइट रिएक्शन। तो ये बात याद रखिए, अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि लाइट रिएक्शन अकर इन ग्रेनम और स्ट्रोमा। तो आप याद रखिए कि ये हमारे पास ग्रेनम में होता है। लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेनम में होता है। ठीक है, इसके बाद जब लाइट आती है तो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट। एब्जॉर्ब लाइट। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। जब केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी एटम हीट गेन करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। फिर जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और वो फिर क्या करेंगे? वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन यूज़ करता है? यहाँ पर हमारे पास सेल्स में एटीपी होते हैं, एडीपी, और वो एडीपी वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एटीपी। एक राज तो हमारे पास यहाँ पर होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम लाइट रिएक्शन के लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल एटीपी के साथ मिलकर एटीपी बनाता है। यहाँ पर वाटर भी मौजूद होते हैं और वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग, यानी द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो जाता है। जब वाटर की ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर हमारे के पास क्या बनते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हम पढ़ते कि हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। यहां पर बच गया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन हमारे साथ कहां पर आ जाएगा? हाइड्रोजन जो है वो एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनीन डाइन्युक्लोटाइड फॉस्फेट यहां पर होंगे। एनएडीपी वो उनके साथ मिलकर एनएडीपी एनएडीपीएच बनाएगा। निकोटिनामाइड एडेनीन डाइन्युक्लोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस। ये हमारे पास एनएडीपीएच बनाएगा। और याद रखिए कि एक एनएडीपीएच जो है ये कि हमें क्या देता है 380 पीस। तो ये भी हमारे साथ एटीपी की प्रोडक्शन है। ये एज अ कोएंजाइम भी यूज हो सकता है। तो ये हमारे साथ है रिएक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप है। ये हमारे पास उसका मैकेनिज्म है। अब अगर हम यहाँ पर देख ले फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, हमने पढ़ा कि स्ट्रोमा में। इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम लिखेंगे। ये हमारे साथ हो गया व्हाट लाइट रिएक्शन। मीन ये हमारे पास है ग्रेनम। यहां पर रिएक्टेंट इसके लिए क्या है, एक तो हमारे पास सनलाइट आ गया, एक आ गया हमारे पास क्या एडीपी, और एक हमारे पास आ गया एनएडीपी और एक H2O। ये सब हमारे पास रिएक्टेंट हैं। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ा कि एक्साइटेड हो गया और रिलीज हो गया। ये क्या है, ये है रिएक्टेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये है रिएक्टेंट्स। इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो एक हमने पढ़ा कि हमारे पास एडीपी और पीआई जब हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिल जाए तो ये बनाते हैं क्या एटीपी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। दूसरा एनएडीपी के साथ एच यहाँ से मिलकर क्या बनाता है एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनीन डाइन्यूक्लोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड। एंड एच हमारा ओ यहाँ से एच गया यहाँ पर, यानी एच रिड्यूस एन एडीपी। एच जो है हाइड्रोजन वो रिड्यूस करता है एन एडीपी को। रिडक्शन किसे कहते हैं, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये आ गए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये हमारे साथ लाइट रिएक्शन के रिएक्टेंट्स आ गए और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आ गए। तो मैकेनिज्म में हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप यानी लाइट रिएक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह जो सेकंड टाइप है डार्क रिएक्शन वो अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स एंड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।